Hello students, welcome to the class with me Sangeeta Khatkar. Students, in today's video we are going to study part 4th of the chapter Professor Shanku and the Little Boy. I hope you have seen part 1, 2 and 3 of this lesson. If not seen, its link is given in the descriptions. You can see from there. So let's start. Students, previous parts में हमने study किया था कि खोखा जो होता है जब वो गिर जाता है उसके हेड पे चोट लगती है, बट उससे सडनली उसके जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंक करने लग जाता है, बहुत सारी लैंग्वेजेस का उसको नॉलेज हो जाता है, बहुत सारे जो साइंटिफिक नेम है मीन साइंटिफिक थिंग्स के बारे में उसको नॉलेज होता है. उसको आइंस्टीन थ्योरी और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत सारी चीजों के बारे में उसका नॉलेज होता है और वो इन चीजों को पसंद भी करता है. हमने इससे पहले के वीडियोस में ये भी स्टडी किया था कि वो अविनाश बाबू जब घर पे आते हैं तो उससे पूछते हैं कि व्हाट्स योर नेम, तो वो अपने नेम की जगह एक उस केमिकल का नेम बताता है. तो अविनाश बाबू बोलते हैं उसको कि ये क्या नाम हुआ, प्रोफेसर शंकु से पूछते हैं. तो प्रोफेसर शंकु स्माइल करते हैं एंड कहते हैं आई स्माइल दैट्स नॉट हिज नेम, कि ये इसका नेम नहीं है अविनाश बाबू. What he just said is a scientific description of your physical appearance and behavior. कि जो कुछ भी ये कह रहा है वो एक scientific description है आपके physical appearance का और आपके behavior का. Means जैसे आपकी physique दिखती है उसको देखकर और आपके behavior के बारे में वो scientifically name बोल रहा है. His real name is Amulya Kumar Bose. इसका जो real name है वो Amulya Kumar Bose है, but everyone calls him Khoka. लेकिन हर कोई उसको खोका बोलता है. साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन की, साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन की बात कर रहे हो. अविनाश बाबू स्टिल साउंडेड टोटली टेकन अबैक. अविनाश बाबू है वो जब ये सुनते हैं साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन का नेम तो वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं. आर यू नाउ ड्रिलिंग योर ओन थ्योरीज इनटू टाइनी टोर्स, कि क्या आप अब अपने जो थ्योरीज हैं वो टाइनी टोट्स मींस लिटिल चाइल्ड्स पे बच्चों पे आजमाने लग गए हैं. ही मॉक्ड, वो मजाक करते हैं मेरे साथ में, मेरे पे हंसते हैं. आई वुड प्रोबेबली हैव इग्नोर्ड दिस जीप, लेकिन मैं ये जो उन्होंने बोला है मैं इसको, ये जो उनका मॉकिंग करने का स्टाइल था उसको टोटली इग्नोर करना चाहता हूँ एंड रिमाइंड साइलेंट, और चुपचाप रिमेन में साइलेंट रहता हूँ. बट खोखा मेड अ रिप्लाई बिफोर आई कुड से एनीथिंग, लेकिन खोखा एक रिप्लाई उनको दे देता है. मैं कुछ कहूँ उससे पहले ही खोखा का रिप्लाई आ जाता है. वो कहता है ही हैज नॉट टॉट मी अ सिंगल वर्ड, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाया है, वो मुझे कुछ नहीं सिखा रहे हैं. ही डिक्लेयर, वो डिक्लेयर कर देता है एंड रिफ्यूज टू स्पीक एनी मोर, और उसके बाद में कुछ भी नहीं बोलता है. अविनाश बाबू फेस ग्रेव अ लिटिल ग्रेव, अविनाश बाबू फेस, अविनाश बाबू का जो चेहरा था अब थोड़ा सीरियस हो गया था. ही लेफ्ट सून आफ्टरवर्ड्स विदाउट हैविंग अ कप ऑफ टी और कॉफी, वो जल्दी ही वहां से चले गए थे, ना ही उन्होंने कॉफी पी और ना ही उन्होंने टी ली. इट सीम्ड प्रीटी ऑब्वियस दैट ही वुड स्प्रेड द न्यूज अबाउट खोखा, और ये तो ऑब्वियस था जैसा कि उनका बिहेवियर था अविनाश बाबू का कि ये जो न्यूज है खोखा को लेकर वो जल्दी ही स्प्रेड कर देंगे. इफ टू मैनी पीपल बिगिन डिस्टर्बिंग अस, और यदि ऐसा होता है तो बहुत सारे लोग हमें डिस्टर्ब भी करेंगे. आई वुड हैव टू टेल द पुलिस, मुझे पुलिस को ये सब बताना ही पड़ा. द लोकल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर समंदर इज वेल नोन टू बी, जो वहाँ के लोकल इंस्पेक्टर थे इंस्पेक्टर समंदर, वो मेरे अच्छे जानकार थे, मैं उनको जानता था, तो मुझे उनको बताना चाहिए और मैंने उनको बताया. अब बात आती है 15 सितंबर की, व्हेन हु न्यू द स्ट्रेंज एंड वेरिड एक्सपीरियंस विद खोखा वुड एंड लाइक दिस, कि किसको पता है, कौन जानता है ये स्ट्रेंज और इस तरह से वियर्ड एक्सपीरियंस जो है खोखा के साथ में, उसका कब अंत होगा, वो कब खत्म होगा, कब खोखा नॉर्मल होगा. आई गोट नो चांस एट ऑल इन द लास्ट कपल ऑफ डेज टू राइट माई डायरी, मुझे लास्ट टू डेज से, कपल ऑफ डेज से मुझे एक चांस ही नहीं मिला कि मैं मेरी डायरी में कुछ लिखूं. ओनली आई कैन टेल यू हाउ मच
स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी आई हैव हैड टू सफर। बस मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत चिंतित था, बहुत बेचैन था, परेशान था, और यही सब मैंने इन दिनों में भुगता है। द रीजन वॉज सिंपली दैट, और उसका रीजन सिंपल था कि माई फियर टर्न आउट टू बी वेल फाउंडेड, और मेरा जो डर था वो सही निकला। अविनाश बाबू डिड गो अराउंड एवरीवेयर, और अविनाश बाबू जहां जहां भी गए टॉकिंग अबाउट खोखा, उन्होंने खोखा के बारे में बात करी एंड डिस्क्राइबिंग द वे ही बिहेव, और उन्होंने उस वे को जिस तरह से खोखा बात कर रहे थे उनको उन्होंने लोगों को बताया। द सेम इवनिंग उसी शाम क्यूरियस विजिटर्स बिगिन मेकिंग इंक्वायरीज एट माय हाउस, और क्यूरियस जो विजिटर्स थे उन्होंने मेरे घर आके इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया था। खोखा वॉज इन हिज रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, उस टाइम खोखा फर्स्ट फ्लोर पे अपने रूम में था। एट फर्स्ट आई ट्राइड टू गेट रिड ऑफ दीज अनवेलकम विजिटर्स, फर्स्ट शुरुआत में तो मैं कोशिश कर रहा था कि इनसे मैं निजात पाऊं, फ्री हो जाऊं, ये जो अनवेलकम विजिटर्स हैं जिनको मैं नहीं चाहता मेरे घर आए, बाय टेलिंग देम दैट खोखा वाज स्लीप, और ये कह दिया मैंने उनको कि खोखा तो अभी सो रहा है, आप लोग जाइए। बट नेचुरली आई कुड नॉट प्रिटेंड दैट ही वाज स्लीपिंग ऑल द टाइम, लेकिन एनी टाइम तो मैं नहीं कह सकता ना कि खोखा सो रहा है, खोखा सो रहा है अभी। एट अराउंड 8 o'clock व्हेन माय लिविंग रूम स्टार्टेड टू लुक decidedly crowded, और 8 o'clock तक तो जो मेरा लिविंग रूम था वो ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा क्राउडेड है, मींस वो भीड़ भाड़ से भर गया था, बहुत ज्यादा वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई थी। एंड मोस्ट पीपल डिक्लेयर्ड दैट दे वुड नॉट बज अंटिल दे, और ज्यादातर लोग थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वो अब मेरे लिविंग रूम को बज नहीं करेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे जब तक वो खोखा को नहीं देख लेते। आई वॉज ऑब्लिग्ड, अब मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी, टू ब्रिंग हिम डाउनस्टेयर्स, और मैं उनको नीचे लेकर गया। एट वंस एवरीवन फेल अपॉन हिम, उसको देखते ही हर कोई उस पर झुक गया, उसकी तरफ भागा, ट्राइंग टू गेट अ क्लोज लुक, उसके उसको पास से देखना चाहते थे। दिस टाइम इस बार आई हैड टू पुट माई फूट डाउन, इस बार मैंने मेरे पैर पीछे रखे, लुक देखो, आई सेड एज फर्मली एज पॉसिबल, और मैंने उतना तेज बोला जितना मैं बोल सकता था, ही इज ओनली 4 year old, कि वो सिर्फ 4 साल का बच्चा है। इफ यू क्राउड अराउंड हिम लाइक दिस, अगर आप उसको ऐसे घेर के खड़े हो जाएंगे, यू ऑल कट ऑफ ऑल द फ्रेश एयर, तो ये आप सभी उसको फ्रेश हवा नहीं मिलने दोगे, वो परेशान हो जाएगा। ही विल सर्टेनली फॉल इल इफ यू डोंट लेट हिम ब्रीथ, और वो निश्चित रूप से बीमार हो जाएगा अगर आप लोग उसको सांस नहीं लेने दोगे। मैंने जितना तेज में बोल सकता था मैंने बोला, मैंने उस समय वहां जो क्राउड इकट्ठी हो रही थी उनको समझाने की पूरी कोशिश की। एट दिस समवन शाउटेड, उसी समय कोई चिल्लाता है, जोर से बोलता है, व्हाई डोंट यू टेक हिम आउटसाइड इन द गार्डन, कि आप इसे गार्डन में क्यों नहीं लेके जाते बाहर, अगर आपको लगता है कि वहां उसको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है तो आप उसको गार्डन में लेके जाइए। दिस सीम्स अ गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया मुझे लग रहा था, सो आई टुक हिम आउट, और इसलिए मैं उसको बाहर ले गया। सो फार खोखा हैड नॉट स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस, लेकिन खोखा है वो घर के बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। एज सून एज ही फाउंड हिमसेल्फ इन द गार्डन, लेकिन फिर धीरे धीरे वो गया, और जैसे ही वो गार्डन पहुंचा, ही बिगेन टॉकिंग रैटलिंग ऑफ द लेटिन नेम ऑफ एवरी प्लांट, तो वो बात करने लग गया, बताने लग गया जो लेटिन नेम है प्लांट्स के उनके बारे में, बुश के, ट्रीज के, लीफ के, फ्लावर्स के, जो कुछ उसको दिखाई दे रहा था उन सब के लेटिन नेम वो बता रहा था। अमंग द विजिटर्स वाज फादर गैलवे, अब जो विजिटर्स आए थे उनमें फादर गैलवे भी थे, जो हेडमास्टर थे वहां के लोकल मिशनरी स्कूल के, हु हैपन टू बी ए बॉटनिस्ट, वो एक बॉटनिस्ट थे। द एक्सटेंट ऑफ खोखास नॉलेज ऑफ बॉटनी स्टूपिफाइड हिम, जो एक्सटेंट था, बोलने का तरीका था खोखा का, वो उनको बहुत ही शॉक्ड लगा, शॉकिंग वाला लगा कि इस तरह से बच्चा, इतना छोटा बच्चा कैसे बोल रहा है। I saw him sink down in my wicker chair. मैंने देखा है उनको जो
नीचे झुकते हुए जो माई वीकर चेयर से मीन्स यहाँ पर है ट्रिक वोमन टू मेक फर्नीचर। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है। ऑल ऑफ दिस हैपेंड द डे बिफोर यस्टरडे, ये सब जो चीजें हुई थी एक दिन पहले। लास्ट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड, आखिर जब हम पिछली रात हम जब बेड पे सोने गए थे, खोखा हिमसेल्फ टोल्ड मी हाउ मेनी पीपल हैड विजिटेड माई हाउस। तो खोखा ने खुद से मुझे बताया कि मेरे घर पे कितने लोग आए थे। उसके अकॉर्डिंग द टोटल नंबर वाज 356, की 356 पीपल आए थे, आउट ऑफ विच 3 वर यूरोपियन। उनमें से 3 यूरोपियंस थे, 7 जो थे वो उड़ीसा से थे, 5 असम से थे, 1 वाज जैपनीज, 56 वर बिहारीज, 2 वर फ्रॉम मद्रास एंड द रेस्ट वर ऑल बंगालीज। मीन्स खोखा को ये भी पता था कि कहाँ से कौन सा विजिटर आया है। यस्टरडे मॉर्निंग देयर रिपोर्टर्स अराइव फ्रॉम कलकत्ता डिटरमाइंस टू स्पीक खोखा। यस्टरडे मॉर्निंग को 3 रिपोर्टर्स जो है वो कलकत्ता से आए थे और उन्होंने निश्चित कर रखा था कि वो खोखा से बात करेंगे। खोखा ऑब्लिक खोखा रेडी हो गया, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट रिफ्यूज टू आंसर एनी ऑफ देयर क्वेश्चन। लेकिन उसने मना कर दिया कि वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करेगा। ऑल ही टोल्ड देम इंडिविजुअली, जो कुछ भी उनसे पूछते थे वाज हाउ मच न्यूज प्रिंट एंड इंक देयर पेपर्स यूज, कि न्यूज पेपर्स के अंदर वो बता रहे हैं कि हाउ मच न्यूज प्रिंट, कि कितनी न्यूज प्रिंट एंड इंक जो है उनके पेपर यूज होंगे, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ न्यूज वर प्रिंटेड इन ईच इशू, कितनी लिखी जाएगी, एंड द टोटल नंबर ऑफ पेपर्स प्रिंटेड, ये सब बातें हो रही थी। वन ऑफ द रिपोर्टर वाज अकम्पेन्ड बाय अ फोटोग्राफर, एक जो रिपोर्टर था उसके साथ में फोटोग्राफर भी था। एट वन पॉइंट आई सॉ हिम रेज हिज कैमरा एंड फ्लैश गन टू टेक अ पिक्चर। तो मैंने देखा कि उसने अपना जो कैमरा है वो ऊपर उठाया हुआ था और उसकी फ्लैश गन जो थी मीन्स बाहर निकल चुकी थी इमेज लेने के लिए। तो मैंने उसको देखते ही मैंने बोला डोंट यूज द फ्लैश, कि फ्लैश यूज नहीं करो। खोखा टोल्ड हिम, सॉरी खोखा उनको कहता है इट विल हर्ट माई आईज, कि इससे मेरी आंखों पे प्रॉब्लम होती है, ये मेरी आईज को हर्ट करता है। द फोटोग्राफर स्माइल, फोटोग्राफर स्माइल करता है, जस्ट वन फोटो खोखा बाबू, और खोखा से कहता है कि सिर्फ एक पिक्चर खोखा बाबू, ही सेड यूजिंग अ बेबी स्टोन, जैसे एक बच्चे से बोलते हैं ना तो वो बेबी स्टोन यूज करते हुए बोलता है यू विल लुक वेरी नाइस इन दिस फोटो, आप इस फोटो में बहुत अच्छे लगेंगे, यू विल सी, आप देखना बहुत सुंदर लगेंगे आप इसमें। ही देन प्रोसीड टू टेक पिक्चर, वो अब आगे अपना पिक्चर लेने की कोशिश कर रहा था बट द फ्लैश रिफ्यूज टू वर्क, लेकिन फिर फ्लैश ने वर्क नहीं किया, उसका जो कैमरा था वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया। देर वॉज नथिंग रॉन्ग विद द बल्ब, उसके बल्ब के साथ कुछ गलत नहीं था। एज इट टर्न ऑफ, कि वो बंद हो गया था। एज मैनी एज 7 बल्ब्स वर यूज, 7 बल्ब यूज किए जा रहे थे बट द ब्राइट फ्लैश वन एक्सपेक्टेड ईच टाइम जस्ट डिडंट अपीयर, लेकिन उनमें से जो सबसे ब्राइट फ्लैश वाला था उस समय वो अपीयर नहीं था। इन द इवनिंग अनादर जेंटलमैन अराइव फ्रॉम कैलकटा, इवनिंग में एक दूसरा जेंटलमैन आता है कैलकटा से, हिज नेम वाज समीरन, उनका नेम जो होता है समीरन चौधरी होता है। वो कहते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर यू, कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अयास मैं उनसे पूछता हूँ, इट टर्न आउट दैट ही वाज एन इम्प्रेसरियो, और वो कहते हैं कि वो एक इम्प्रेसरियो है, दैट इज टू से ही अरेंज शोज फॉर गिफ्टेड सिंगर्स, कि वो गिफ्टेड सिंगर्स के लिए शोज वगैरह अरेंज करवाते हैं म्यूजिशियंस और डांसर्स के लिए। He wanted Khoka to do a show of his own at the New Empire Theatre in Calcutta. वो चाहते हैं कि खोखा जो है वो एक शो करें अपना जो न्यू एम्पायर थिएटर है कलकत्ता में, वहां पर। He could answer questions from the audience. ऑडियंस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके उस खोखा को आंसर देना है। डू कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सम्स, कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल सम्स उसको सोल्व करनी है। रैटल ऑफ न्यू लैटिन नेम्स, जो न्यू रेटल नेम्स है उनकी रेटल सोल्व करनी है। सिंग एंड रिसाइट पोएट्री, ये सब उसको करना है। दिस वुड नॉट जस्ट मेक हिम फेमस, इससे वो ना केवल सिर्फ फेमस ही होगा बट ऑल्सो गिव हिम एन इनकम, उससे उसको इनकम भी होगी। डिपेंडिंग ऑन हिज सक्सेस हेयर ही कुड इवन बी सेंट अब्रॉड वन डे,
और डिपेंड करता है उसकी सक्सेस, उसको कितनी सक्सेस मिलती है। हो सकता है उसको बाद में एब्रोड भी एक दिन भेज दिया जाए। आई कैन नॉट एक्सेप्ट योर प्रपोजल आई सेड, तो मैंने कहा कि मैं आपका ये जो ऑफर है, ये प्रपोजल है, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता विदाउट कंसल्टिंग खोखा's पेरेंट्स, खोखा के पेरेंट्स से बात किए बिना। ऑल आई कैन डू इज गिव यू हिज फादर्स नेम एंड एड्रेस, मैं सिर्फ आपको खोखा के फादर का नेम और एड्रेस दे सकता हूँ। यू मे गो एंड सी देम, आप वहां जा सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। द इवनिंग वॉर ऑन एंड इट सून बिकम डार्क, इवनिंग शाम हो गई थी, जल्दी अंधेरा भी हो गया था। खोखा वाज स्टिल फेसिंग एन ऑडियंस ऑफ नियरली 500 पीपल एंड मेकिंग एस्टाउंडिंग रिमार्क। ठीक है, खोखा जो है वो काफी लोगों से बात कर रहा था, मतलब शाम हो गई थी, सुबह से बात करते करते वो भी थक गया था। ऑडियंस का सामना करते करते लगभग 500 पीपल के साथ उसने बात करी थी और वो अपने रिमार्क भी दे रहे थे। बट सडनली ही सैड इन अ लो वॉइस, लेकिन तभी अचानक वो धीरे से आवाज में कहता है, मीर इस्ट मर्ड मीन्स इट हैपन टू नो सेवरल सॉरी आई हैपन टू नो सेवरल लैंग्वेजेस, और मुझे कुछ लैंग्वेजेस के बारे में नॉलेज था। तो जर्मन इज वन आई एम क्वाइट फैमिलियर विद, उनमें से ही एक लैंग्वेज थी जर्मन, जिसके बारे में मैं थोड़ा फैमिलियर था, जिसके बारे में मैं थोड़ा जानता था। आई कुड अंडरस्टैंड खोखाज वर्ड, और इसीलिए मैं खोखा के शब्दों को समझ पाया। ही वॉज टेलिंग मी इन जर्मन, वो मुझे जर्मन में कह रहा था, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। I did not waste another minute. मैंने एक अगला एक मिनट भी वेस्ट नहीं किया। The audience was told that Khoka was going to return to his room. Audience को मैंने कह दिया था कि अब Khoka अपने room में जाएगा। He wanted to rest. वो अब rest करना चाहता है। People might have raised objections to his sudden departure. अब लोगों ने ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया था, एकदम से वो डिपार्ट कर रहा था, एकदम से वहां से जा रहा था, तो उसके लिए लोग मना कर रहे थे। बट द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू पुलिसमैन इज द सिचुएशन, लेकिन जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, वहां का लोकल इंस्पेक्टर मिस्टर प्रोफेसर शंकु के नोन थे, तो उस वजह से थोड़ा इजी हो गया वो सिचुएशन हैंडल करना, और वो खोखा को उसके रूम में लेके जाते हैं रेस्ट के लिए। आई कैप्ट खोखा इन माई ऑन रूम दैट नाइट, उस रात खोखा को मैंने अपने ही रूम में रखा। अराउंड मिडनाइट ही सीम्ड टू बी फास्ट अस्लीप, और आधी रात के टाइम में ही खोखा बहुत गहरी नींद में सो गया। आई पुट माई बुक अवे एंड स्विच द लाइट ऑफ, मैंने मेरी बुक साइड में रख दी और लाइट ऑफ कर दी। आई वॉज फीलिंग क्वाइट डिप्रेस्ड, उस टाइम में को थोड़ा डिप्रेस्ड मैं फील कर रहा था। आई लाइक पीस एंड क्वाइट, क्योंकि काफी होपसोच हो गया था, काफी भागम भाग हो गई थी, तो मेरे को भी थोड़ी शांति और कुछ आराम चाहिए था। हैंडलिंग लार्ज क्राउड इन द लास्ट कपल ऑफ डेज, क्योंकि लास्ट टू डेज से काफी भीड़ का सामना करना पड़ रहा था और उस वजह से मैं भी थक गया था। ऑल्दो नॉर्मली आई डोंट गेट टायर्ड दैट इजीली, और हमेशा मैं इतना जल्दी नहीं थकता हूँ, बिकॉज मैं मेरे काम में रहता हूँ, लेकिन इतने लोगों का सामना नहीं करना होता है। इन द पास्ट आई हैव हैड टू वर्क थ्रू द नाइट, पास में पहले मैं पूरी पूरी रात जगकर अपना काम भी करता था। फार एज मैनी एज फोर नाइट इन रो ऑन वन ओकेजन एंड स्टिल नॉट फेल्ट एनी फेटिग्यू एट ऑल, और लेकिन फिर भी पूरी रात काम करने लगातार दो तीन दिन तक नाइट में काम करने के बावजूद भी मुझे इतना थकान महसूस नहीं होती थी। द ट्रूथ वॉज दैट, सच्चाई ये थी कि आई वॉज वरीड अबाउट खोखा, मैं खोखा को लेके बहुत चिंतित था। एडमिटिंग टू फीलिंग टायर्ड, और साथ में जब उसने बोला कि वो थक गया, उसके बाद में मैं और परेशान हो गया। वट वॉज गोइंग टू हैपन टू दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉय, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉय के साथ हो क्या रहा है। आई कुड टेक हिम बैक टू हिज पेरेंट्स, मैं उसको उसके पेरेंट्स के पास वापस ले जाऊंगा। बट नो वन वुड लीव हिम, लेकिन कोई उसको वहां पर छोड़ेगा भी नहीं, सब उसको वहां पर परेशान करेंगे। तो ये सोचते हुए प्रोफेसर शंकु लेते हुए थे। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको पार्ट फोर्थ इस चैप्टर का समझ आया होगा। जल्दी ही मैं पार्ट फाइव के लिए लेके आती हूँ, देखते हैं एंड में खोखा के साथ क्या होता है। तो ये देखने के लिए पार्ट फाइव जरूर देखें। टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।